2 सितंबर 1994 को पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। मसूरी गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। मसूरी गोलीकांड को आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। आज मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज आंदोलनकारियों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न के अनुरूप उत्तराखंड के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो, और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी जिनके कारण से हम सब, जिसके बारे में अभी भट्ट जी ने बताया, हमारे गुनसुला जी ने बहुत बातें बताई, गणेश जोशी जी ने बताई, मन्नू भाई लगातार बता रहे हैं, हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी, और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं।